दोस्तों इस वीडियो पर मैं आपके लिए NPCIL से आई हुई एक बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, NPCIL रावत वाटर साइट से आपके लिए करीब 279 से भी ज़्यादा न्यू रिक्वायरमेंट आई हुई है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। दोस्तों यदि आप 12th पास हैं, आपके पास ITI है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अपन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो आप यहाँ पे बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं NPCIL रावत भाटा साइड से ये जो वैकेंसी आई है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो वैकेंसी आई है किस पोस्ट की आई हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये स्टिपेंडेंट यानी कैटेगरी 2 की वैकेंसियां आई हुई हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां से टोटल 279 वैकेंसियां आई हुई हैं। ठीक है, यहां पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया हुआ है, तो आप सब लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पर इसे डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, फिर हमको फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इस तरह से ये सारी वैकेंसियाँ मिला के 126 वैकेंसी ए हो गई। इसी तरह से दोस्तों 12th बेस वाली वैकेंसी भी आई हुई हैं, जैसे कि प्लांट ऑपरेटर हो गया, सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ वैकेंसियाँ यहाँ पर बैकलॉग में भी आई हुई हैं, तो आप वहाँ पर भी इसे देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो स्टिपेंडेंट यानी कैटेगरी 2 होती है, इस पहले साल आपको 20,000, दूसरे साल आपको 22,000। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाती है, तो आप यहाँ पर इसे देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो सैलरी वगैरह, तो मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे आपकी एज कितनी रहने वाली है। दोस्तों यदि आप स्टिपेंडेंट यानी कैटेगरी 2 के फॉर्म को फिलअप करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है 18 से 24 साल तक। ठीक है, एज रिलैक्सेशन में मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले बता दिया था, यदि आपने 12th पास किया है, आपके पास ITI है, ठीक है, या फिर डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। पहले स्टेज में क्या होता है दोस्तों, आपके यहाँ पे 3 स्टेज होते हैं। पहले आपका प्रीलिम्स टेस्ट होगा, जिसमें मैथ, साइंस और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आपका एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी, ये भी 150 मार्क्स का रहता है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है, तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे पे, या आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको NPCIL की इस वाली वेबसाइट पे जाना है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। मैंने इंपॉर्टेंस डेट बता ही दिया था, आप इस फॉर्म को 22 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। होपफुली आप सभी लोग को सारी जानकारी सब अच्छी तरह से समझ में आ गए होगा। फिर भी आपके मन पर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म की फीस कितनी बताई गई है, 100 रुपये, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली है। होपफुली आप सभी लोग अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।